महाराणा प्रताप की फोटो को, उनकी छवि को पांव में रखकर वहां सम्मेलन करते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर, सिख ईसाई के नाम पर बांटकर वोट की खूब फसल काटने की कोशिश करते हैं। लोग अपने आन बान और शान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन धरती माँ का सम्मान कभी कम नहीं होने देते। उन्हीं महाराणा प्रताप की छवि को आप पांव में रखते हैं। राम और महाराणा प्रताप के नाम से वोट की जब फसल काटने की बात आती है, बीजेपी सबसे आगे खड़ी रहती है। हर बीजेपी के नेता ने पांव में महाराणा प्रताप की छवि को रखा, किसी की इतनी बुद्धि काम नहीं हुई। आप कुर्सी पर बैठे हैं, सामने टेबल खाली पड़ी है, टेबल के नीचे रख रहे हैं। ये अपमान बर्दाश्त करने लायक नहीं है किसी भी कीमत पर। बीजेपी के तमाम नेताओं को, व्यक्तिगत देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मूल अधिकार मिला हुआ है। हर MLA अपनी बात कहता है, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। मैं हिंदू हूँ, मुझे इस बात का गर्व है, मैं मेरा सनातन धर्म मानता हूँ। लेकिन सनातन धर्म, हम भगवान राम के वंशज हैं, और आप इस बात को जानते हैं कि गोपीनाथ जी की हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की। तो ये मेरा अधिकार है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सबका यहाँ पर सम्मान है। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार अपनी बात को रखते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी MLA ने अपने मन की बात कही है, जो जैसा वो सोचता है, जैसा वो समझता है, वैसा उसको एक्ट करने का अधिकार है। हर धर्म का अपना सम्मान है, लेकिन ये देश धार्मिक एकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। मैं इतना कह सकता हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है। मुझे दुख इस बात का है कि एक दो दिन पहले राजस्थान प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, इनके सांसद CP जोशी जी, इनके यूथ बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मेवाड़ की धरती पर जाते हैं, वल्लभ नगर में जाते हैं, राजनीतिक प्रोग्राम करते हैं, लोगों से वोट की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आन बान शान का प्रतीक, इस देश की परंपराओं को, इस देश के इतिहास को, इस देश की धर्म सभ्यता और संस्कृति, इस देश की आन बान और शान को, इस देश की सोच को, इस देश के विचार को पूरी दुनिया में बड़े महान तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित करने वाले आन बान शान के प्रतीक, हमारे गौरव, हिंदुस्तान के गौरव महाराणा प्रताप की फोटो को, उनकी छवि को पांव में रखकर वहां सम्मेलन करते हैं। आप भगवान राम के नाम से, प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से वोट लेने की खूब साजिश करते हैं, और हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर, सिख ईसाई के नाम पर बांटकर वोट की खूब फसल काटने की कोशिश करते हैं। जब आप इस देश के गौरव, इस दुनिया के गौरव, जिनके जिन्होंने ये कहा था मैं लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता, भारत की का असली धर्म क्या है? स्वाभिमान। भारत का असली धर्म क्या है? कि यहाँ पे लोग अपने आन बान और शान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन धरती माँ का सम्मान कभी कम नहीं होने देते। उन्हीं महाराणा प्रताप की छवि को आप पांव में रखते हैं, और आज 2-3 दिन हो गए और नाटक करने के लिए बीजेपी के किसी एक व्यक्ति से, बीजेपी से डलवा दिया कि हम माफ़ी चाहते हैं। क्यों नहीं माफ़ी मांगते सतीश पूनिया? क्यों नहीं माफ़ी मांगते इनके सांसद? आगे बढ़कर व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगे, हालांकि ये माफ करने लायक कदम नहीं है। इससे बीजेपी की सोच का पता चलता है, बीजेपी की नेताओं की सोच का पता चलता है, ये नहीं चलेगा। राम और महाराणा प्रताप के नाम से वोट की जब फसल काटने की बात आती है, बीजेपी सबसे आगे खड़ी रहती है। महाराणा प्रताप के अपमान को ये हिंदुस्तान, ये मेवाड़ की धरती, ये राजस्थान की धरती, इस देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को मानने वाले लोग, इस देश के स्वाभिमानी लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी के इस कृत्य को माफ नहीं करेंगे। बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, आगे बढ़कर जो लोग वहां पर उपस्थित थे सब लिखित में माफी मांगे, क्योंकि आज तक इस मुद्दे पर जब भी बात आई, बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आरोप लगाया करते थे, कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? अब वो क्यों नहीं बोल रहे अपने ही नेताओं से कि हाथ जोड़कर माफी मांगे? ये चलने वाला नहीं है। महाराणा प्रताप के अपमान को, मेवाड़ की धरती के अपमान को, राजस्थान जो सोरे की धरती है, यहाँ का इतिहास, उसके अपमान को किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आज कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम इतिहास पुरुषों का सम्मान करते हैं, ये महाराणा प्रताप की धरती है, हम महाराजा सूरजमल का और मीरा का, शक्ति और भक्ति की धरती का, यहाँ पर जो भी हुए वीर दुर्गादास राठौड़ का, वीर हमीर का, और यहाँ पर जितने भी युग पुरुष हुए जिनके कारण से इतिहास अपनी एक नई कहानी कहता है, राजस्थान को देखने के लिए, हिंदुस्तान को देखने के लिए लोग महाराणा प्रताप को पढ़कर आते हैं। जो महाराणा प्रताप एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने, बीजेपी आज धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जिनकी सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान
हाकिम का सूरी था, एक और सेनापति पुंजा राणा, भीलों का सरदार जिनको पुंजा राणा की उपाधि महाराणा प्रताप ने दी, एक सेनापति वो था। एक वैश्य समाज का भामाशाह था, एक झालामन्ना राजपूत था। हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर महाराणा प्रताप ने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के सामने साबित किया। हर धर्म और जाति के लोग लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन इस देश के स्वाभिमान को नीचे नहीं होने देंगे। आज उन महाराणा प्रताप के नाम से आज तक आप राजनीति करते रहे, बार बार पाठ्यक्रम के मुद्दे उठाते रहे, बार बार कांग्रेस को आरोपित करते आए। आज आप कहाँ किस बिल में छुप गए, माफ़ी मांगिए। जवाब चाहता है राजस्थान, जवाब चाहता है हिंदुस्तान। आपको अपमान करने का क्या कि हर बीजेपी के नेता ने पाँव में महाराणा प्रताप की छवि को रखा, किसी की इतनी बुद्धि काम नहीं हुई। आप कुर्सी पर बैठे हैं, सामने टेबल खाली पड़ी है, टेबल के नीचे रख रहे हैं। ये अपमान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। किसी भी कीमत पर बीजेपी के तमाम नेताओं को व्यक्तिगत रूप से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, पार्टी के स्तर पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मेवाड़ का, राजस्थान का, हिंदुस्तान का और इस दुनिया में स्वाभिमान के साथ जीने वाले सब लोगों का अपमान है। इसे हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कांग्रेस गणेश गोगरा के बयान से इत्तेफाक रखती है, आदिवासी? आप एक बात मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी वसुदेव कुटुंबकम की बात करती, इस देश में मूल अधिकार है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको अपनी बात कहने का, अपना धर्म मानने का, अपने हिसाब से धार्मिक परंपराओं को, रीति नीतियों को निभाने का, वो हक उनका अपना सबका है। मैं किसी के व्यक्तिगत हकों पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश का मूल अधिकार हर व्यक्ति को मिला हुआ है।